चलिए आज आपको बताते हैं मुंबई नासिक हाईवे की कंडीशन नियर मानकोली ब्रिज। रात के 12:30 बजे की रिकॉर्डिंग है। मानकोली ब्रिज पूरा जाम पैक्ड पड़ा था गाड़ियों से, तो हमने ब्रिज के नीचे से जाने की कोशिश करी। आगे जाके हम भी अटक गए क्योंकि फिर से ट्रैफिक जाम मिल गया। और ये जाम का सिर्फ एक ही रीज़न, बैड रोड्स। रोड के ऊपर गड्ढे नहीं है, रोड के ऊपर क्रेटर्स है। क्रेटर मतलब गड्ढों का बाप। नेक्स्ट डे 12 बजे दिन में। हाउस द रोड एंजॉइंग सर। ये देखो नीचे पूरा जाम है, मानकोली ब्रिज ऊपर पूरा जाम है। रात को 12:30 बजे रास्ते से गया था मैं, पूरा जाम था, अभी भी जाम पड़ा है। 1 से 3 घंटा लग रहा है ये सेक्शन क्रॉस करने में, और बहुत बुरी हालत है इस समय बिटवीन नासिक एंड मुंबई। हार्डली 160 किलोमीटर एंड इट टेक 6 आवर्स कम्प्लीट। बहुत बुरे हालात हैं भाई। पीछे का रास्ता तो मैं कवर नहीं किया अब तक, कर लेता तो आप बोलते आप भाई आप। एम्बुलेंसेस फंसी पड़ी है ट्रैफिक में बहुत बेकार तरीके से। नासिक मुंबई के बीच में भाई एम्बुलेंस की ज़रूरत किसी को ना पड़े। हाँ टैक्स भरून पण रस्ता भेटत नाही चालायला, हसतो काय राग आला पाहिजे। हा भाई कसं वाटतंय टॅक्स भरून पण ट्रॅफिक मध्ये बसलाय, काय करणार म्हणजे। पब्लिक को आयडिया ही नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। टॅक्स भरतो का टॅक्स ओके आपला, टॅक्स भरून पण ट्रॅफिक मध्ये बसलाय, काय बोलणार नाही बोलायचं। तो जनता ने सारी उम्मीदें छोड़ दी है कि कुछ सुधार होगा करके। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, इतना डीजल पेट्रोल फूकेगा लोगों का, तो जो रिसोर्स बेच रहे हैं उनको भी तो पैसा चाहिए ना जीने के लिए। टैक्स भरता है क्या, टैक्स भरते हो, टैक्स रिटर्न टैक्स भरता है क्या तुम्हें? हाँ आवड़ लेगा टैक्स रिटर्न अच्छा लगा क्या? हाँ तू अपने इधर सब बोल रहे क्या करेगा क्या करेगा, अभी बैठे हो गाड़ी में इंटरनेट पे डालो। स्लो मूविंग ट्रैफिक भी एक बार समझ में आता है कि चलो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए लफड़ा है। यहाँ पे बात कुछ और है, असली बात है ख़राब रास्ते। रास्ते गायब हो चुके हैं, सिर्फ खड्डे ही खड्डे बचे हैं। राइट में जो ट्रक की इतनी लंबी लाइन दिख रही है वो पानी जमा होने की वजह से नहीं है, वो रास्ते ख़राब होने की वजह से है। इस पूरे नेशनल हाईवे पे पानी जमा नहीं हो रहा है इस सेक्शन में। पेवर ब्लॉक डाल रहे हैं नेशनल हाईवे पे। शाम को 5:30 बजे रिटर्निंग इन नासिक डायरेक्शन फ्रॉम दिस सेक्शन। यहाँ पे थाने का पुराना टोल था जो थैंकफुली बंद हो गया है, तो टू व्हीलर वालों को फुटपाथ यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो रोड का साइड का कीचड़ का सेक्शन यूज़ करना पड़ता है। और ऐसे कुछ बीच बीच में से निकल के वापस से अपने ऑफ रोडिंग ट्रैक पर पहुँचना पड़ता है। अभी बताते हैं, ये देखो वीविंग थ्रू द ट्रैफिक, और ये ऑफ रोड ट्रैक। सब प्रैक्टिस करते हैं ऑफ रोडिंग की, बहुत बड़ी चैम्पियनशिप होती है मुंबई में ऑफ रोडिंग की, तो डेली लाइफ में लोग प्रैक्टिस करते हैं जॉब जाने के लिए। गाड़ी का सस्पेंशन, टायर, कौन सेट, ये जैसा मेरा मिरर दिख रहा है टूटा हुआ, कल रात को टूट गया था ये, तो गाड़ी का नुकसान होता है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ऑफ रोडिंग प्रैक्टिस करनी है बिकॉज़ यू आर लाइक ड्राइविंग इन मुंबई। ये कंटिन्यूस कम से कम 3-4 किलोमीटर का पैक जो है ऐसे साइड में कीचड़ में से निकालना पड़ता है, इफ़ यू हैव टू रीच अर्ली, नहीं तो आप आराम से 2 घंटा ट्रैफिक में आराम से बैठे रहिए। कार वाले लाइक 3 आवर्स लग जाते कार वालों को। ये कार वाला मुझे ठोक देता है यहाँ पे। एक्चुअली ये लेह लद्दाख फीचर दे रखा है, आपको लेह लद्दाख जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप मुंबई सबर्बन रीजन में ही लेह लद्दाख का मज़ा उठा सकें, इसलिए इन लोगों ने ये एक्स्ट्रा फीचर दे रखा है हाईवे पे। और आराम से 10-20 किलोमीटर यू नो आपको ऐसे फीचर मिलता है, और थोड़ा पैचेस में मिल जाता है कभी कभी, और बीच में हाँ आपको थोड़ा रेस्ट के लिए 100-200 मीटर का अच्छा रास्ता दे देते हैं, बट जनरली आपको ये यू नो मड़ी रास्ता लेना पड़ता है।
हमने भी ठान लिया हिम्मत नहीं हारेंगे और कोशिश करते रहेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे इसी रास्ते पे। जाते जाते गाड़ी जाते आए जागा। नॉट एवरीबॉडी इज़ अ प्रो राइडर, तो यहाँ आगे वाले व्हीकल को थोड़ा सा मिस जजमेंट हो गया, तो नो वरीज, थोड़ा धीरे चल रहे थे, हमने भी थोड़ा रेस्ट कर लिया। बैक ऑन द मानकोली ब्रिज, देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक जाम एंड दिस मैन इज फियरिंग। ये बस वाले ने कोशिश करी थी रॉन्ग साइड से गाड़ी आगे ले जाने की, बट उसके सक्सेस नहीं मिली, तो ही इज़ पैकिंग अप नाउ, रिवर्स लेके देन ही विल वेट, क्योंकि सामने से ट्रैफिक पूरा इसी तरीके से जाम है जो आप अभी देख रहे हैं। और ये वो 100-200 मीटर का जो अच्छा पैच बोलते हैं ना, एकदम मक्खन जैसा पैच बनाया है जिस पे आप बिल्कुल 100 की स्पीड से पूरे 100-200 मीटर गाड़ी चला सकते हैं, या 100 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, या फिर आप रेस्ट ले सकते हैं बिकॉज आप थक चुके होंगे जो ऑफ रोडिंग करके आप आए हैं 5-10 किलोमीटर की। मानकोली 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 इनॉग्रेशन का वेट कौन करेगा भाई, खून पसीना लोगों का वेट भाई। मुंबई वालों से अच्छी ऑफ रोडिंग कोई नहीं करता है, सब ट्रेंड हो चुके। पर विचार करने वाली बात यह है कि भाई अपन तो सिंगल चलते हैं, ऑफ रोडिंग अच्छे से अपन ने प्रैक्टिस की है तो अपन निकल जाते हैं। जो कपल लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल नहीं है, उनके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल है, माय गुडनेस, सोच के देखो, एक्सीडेंट्स इतनी पॉसिबिलिटी है ऐसे रस्तों पे। ये जो लेफ्ट में ट्रैफिक जा रहा है ये पाइपलाइन रोड पे जा रहा है, और वो रोड एक टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था, बट आगे जाके उसे फोड़ दिया है। अभी राइट साइड में ट्रैफिक पूरा स्टैंड स्टिल है। पाइपलाइन के रास्ते से जा सकता था, बाकी उधर भी आगे जाके बहुत बड़ा ब्लॉकर है, तो इसलिए उधर से नहीं गया। अगर ये ऑफ रोडिंग ना करो ना तो आप घर पहुंच ही नहीं सकते इन द गिवन टाइम, लाइक लुकिंग एट द ट्रैफिक कंडीशन, लेट तो डेफिनेटली होना ही है, बट यार भूख लगी होती है यार, मतलब घर पे भी काम पेंडिंग पड़े होते हैं अपने लिए, जाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा यू नो दया आती है बेचारे एम्बुलेंस वालों पे, भाई कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे ये हो गई है कि लोगों को लगता है यही रियलिटी है, दुनिया ऐसी जीती है सारी। रोड तो मज़ा आ रही है क्या? हाँ मज़ा आ रही है क्या? टैक्स देता है ना, टैक्स देता है ना, फिर ऐसा ऐसा रोड होना चाहिए क्या? किसको बोलेगा, मतलब पैसा देता तो सर्विस सही है ना भाई, बोल सकते हैं। पब्लिक इज सो हेल्पलेस। और एक एम्बुलेंस रॉन्ग साइड से जाते हैं। अब आपको हॉरर स्टोरी दिखाते हैं, जो अपोजिट ट्रैफिक है उनसे मिलवाते हैं। लोग लिटरली टैक्सी से बाहर निकल के खड़े, कितना टाइम हो गया? कम से कम 2 घंटे से खड़ा है। 2 घंटे में 4 घंटे से खड़े हम लोग, वो ब्रिज से इधर 2 घंटा लगा। क्या रीजन है? कुछ रास्ता खराब है, रास्ता खराब इतना थोड़ी लगता है। टैक्स देते हो ना, टैक्स देते हो ना, टैक्स तो देते हैं, इसलिए रास्ता खराब है। तो बोलो फिर रास्ता बना के दो। ट्रक वालों को 4 घंटे लग गए 4 किलोमीटर के लिए। कैसी मजा आते का, मजा मारते का, क्या करेगा, मजा ही है ना, मजा ही सजा है ना भाई, टैक्स देता है कि नहीं देता है, मजा है, सजा बोलो। पर उधर तुम मजा बोलते, इस पर भी ध्यान नहीं देती तुम्हारे ऊपर। ये साहब लोग तो मजा है, कौन साहब लोग सजा है, नहीं नहीं इधर के कोई ध्यान देगा ही नहीं। तो बोलो ना, ट्रक पे लिखो रोड बनाओ। 2-3 घंटे से खड़े ये लोग अपोजिट रोड, नासिक मुंबई हाईवे, बाहर निकल के खड़े हो गए। अभी इसमें कोई फंसा रहेगा, किसी को इमरजेंसी रहेगी, कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा इस रोड से कोई दूसरा रोड नहीं है। कितना देर से खड़ा है, कितना देर से खड़ा है? 3-4 घंटे से खड़ा है। टैक्स भरता है ना, टैक्स भरता है ना, उधर लिखो तुम्हारा गाड़ी पे रास्ता बनाओ, सब गाड़ी पे लिखो रास्ता बनाओ, देखना मांगता है। न्यूज में देखा रास्ता कितना खराब है, कोई बताया न्यूज में? ये एसी बंद करके खड़े हैं कार वाले। कितना देर हो गया? 4:30 पासून कुठून आले? नाशिक करून आले, मजा येते का? मग इंटरनेट वरती टाका ना। अरे काय करणार, असं नाही आहे भाई, बाहेरच्या राज्यात जाऊन आले तुम्ही, अशी परिस्थिती बघितली का कुठे?
अरे तुम्ही इंटरनेटवर टाका, हे एवढी मोठी गाडी म्हणजे तुम्ही मोठी माणसं ना, टाका इंटरनेटवरती आत्ताच आत्ता, आणि लोकांना पण सांगा ॲम्ब्युलन्स, चार चार ॲम्ब्युलन्स अडकली आहे इकडे पण तिकडे पण, त्यांचं जीवाचं काय मग, टाका इंटरनेटवरती प्लीज, आय रिक्वेस्ट.